है तुम्हारा? कीमती राम। क्या लेने आए थे यहाँ? खाद। कौन सी खाद? एनपीके डीपी। कब से आ रहे हो? कल से आए थे। खाद नहीं मिल रही? खाद नहीं मिल रही है, परेशान है और हर जनता परेशान है। कोई भी जनता किसी को नहीं मिल रही है, सभी लोग खाद ही के लिए खड़े होंगे। राम अवतार। कहाँ से आए आप? नगला हरदास बजा जैसी। खाद मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। कितने दिन से दौड़ रहे? चार दिन से जी। तो काय की फसल के लिए खाद चाहिए थी? आलू की फसल के लिए। आलू की फसल के लिए खाद नहीं मिले? नहीं। सरकार ये लोग क्या कर रहे हैं? खादी पूर्ति नहीं कर रहा। किसे आ रहा? कहाँ से आए आप? बड़ा किस? खाद लेने आए थे? चार दिन से आ रहे हैं। लेकिन मिल नहीं रही है। सो लाइन लगे रहे थे यहाँ और खाद खत्म कर गई। चार कितने देर तक लाइन में लगे रहे हैं? लगे रहे 2 बजे तक। 2 बजे तक शाम तक लाइन। तो 2-3 दिन पीछे भी लगे रहे वहाँ। मतलब जब निकट जाती पहले बताते भी नहीं कि मतलब खाद खत्म होने वाली, तुम लोग हट जाओ यहाँ। बताते भी नहीं ना। किसे आ रहा? कहाँ से आए आप? बड़ा किस? खाद लेने आए थे? चार दिन से आ रहे हैं। लेकिन मिल नहीं रही है। सो लाइन लगे रहे थे यहाँ और खाद खत्म कर गई। कितने देर तक लाइन में लगे रहे हैं? लगे रहे 2 बजे तक। 2 बजे तक शाम तक लाइन। तो 2-3 दिन पीछे भी लगे रहे वहाँ। मतलब जब निकट जाती पहले बताते भी नहीं कि मतलब खाद खत्म होने वाली, तुम लोग हट जाओ यहाँ। बताते भी नहीं ना। सर, अपने ज़िले में डीएपी खाद को लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरीके से आप किसानों को संतुष्ट कर पा रहे हैं? संतुष्ट रेट लगने वाली है ना डीएपी की, तो आ जाएगी तो संतुष्टि। उन लोगों का आरोप है कि हम किसान लाइन में लगे रहते, शाम तक हमको खाद नहीं मिल पा रही है। जी सर, डीएपी कल 400 बोरी आई थी, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में भीड़ थी, तो मैंने 5-5 बोरी सभी किसानों को वितरित की हैं। तो जितनी बोरी थी उतनी मैंने वितरित कर दी। तो हमारे उच्च अधिकारियों का कहना है कि हमारे ज़िले में पर्याप्त डीएपी खाद मौजूद है, फिर किस तरीके की दिक्कतें हैं? सर यहाँ पर नहीं आ पा रही है। 400 बोरी आई थी वो वितरित की गई, यहाँ पर जो खाद आती है वो वितरित ही गई है। किसानों को किस तरीके से संतुष्ट करेंगे? एक तो बरसात से बेचारे प्रभावित हैं, दूसरी ये खादी को लेके परेशान,
तो किस तरीके से उनको संतुष्ट कर पाएंगे आप लोग? सर रेक लगने वाली है, कल शायद लग जाएगी रेक। हर किसान को खाद मुहैया हो जाएगी जी? चलिए ठीक।